Hello everyone. Welcome to the Anacademy Studio Placebo platform. <clears throat> so I am Kalpana Kumari. I am going to discuss about what are the top ten mistakes that should be avoided during the need preparation that leads to the failure in the exam. So basically, I secured All India Rank 1 in NITS 2018, All India Rank 33 in JIPMER 2018, and All India Rank 72 in EMS 2018. And currently, I am the second year MBBS student at the Maulana Azad Medical College, New Delhi.

सो अन अकेडमी इज गोइंग टू लॉन्च द क्रैश कोर्स फॉर द नीट ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन द टेंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन सो बेसिकली वाट इज़ क्रैश कोर्स हमने जो दो साल में पढ़ाई करी होती है हमें चाहिए होता है कि एट द लास्ट टाइम लास्ट के छः मंथ जो हमारी प्रॉपरली रिविजन का होता है तो हमारा मतलब एक ऐसा कोर्स हो जिसके थ्रू हम पूरा सारा कंसेप्ट रिवाइज कर पाए मैक्सिमम ऑफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए सो so दैट हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है एंड हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए तो क्रैश कोर्स उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही होता है क्योंकि हमारे वन एट्टी डेज में ऑलमोस्ट सब कुछ ही ज़्यादा रिवाइज हो जाता है सो वॉट ऑल विल बी इन द क्रैश कोर्स तो हमारे पास होगा सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द एन सी आर टी रिव्यू तो एन सी आर टी जो है हमारा हर चीज़ के लिए इम्पॉटेंट है फ्रॉम द नीट एग्ज़ाम एंड नाउ इट इज़ कम्बाइंड विद द एम्स एंड जिपमेड एग्जाम सो ये सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है सो एन सी आर टी रिव्यू क्योंकि हमारा बायोलॉजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल द फैक्चुअल ये तो डायरेक्ट ऑल मतलब मोस्ट ऑफ़ द मोर देन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन इनकेस जो है वो एन सी आर टी अगर आप एन सी आर टी पर इफ़ यू हैव फुल कमांड तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे सो एन सी आर टी रिव्यू विल बी गिवेन एंड देन

क्रैस कोर्स तो हमारा पर डे मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन विल बी डिस्कस तो मतलब कितना ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ जाएगी सो इट्स वेरी नाइस एंड द वट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिस्कसड इन द डाउट सेसन सो देयर विल बी द डाउट सेसन रिगार्डिंग ऑल द and also the any other question in which you यू the difficult the difficulty and there will be the guidance from the india's top faculty तो इंडियाज के टॉप फैकल्टी थ्री ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट विल बी टेकिंग द लेक्चर्स इन द क्रैश कोर्स एंड वो आपको गाइड करेंगे मीन्स कैसे एग्जाम्स देने कौन से क्वेश्चन को किस मतलब किस कंसेप्ट से आप एंड मेनी ट्रिक्स ऑल्सो जिसके थ्रू आप फॉर्मूला मतलब बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और वो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस कर देगा ताकि आप टाइम बाकी क्वेश्चन में भी यूटिलाइज कर पाओ ओके सो दीज आर थ्री सम ऑफ द एजुकेटर्स दैट विल भी टेकिंग द Class course. So Amit Singh sir, who is faculty of the physics, Doctor Anand Mani sir, who is faculty of biology, and the Hershey Jalani sir, who is faculty of chemistry, he is going to teach the class in the class course time. So the launch date for the class course is the tenth November two thousand nineteen. So very few days are left, and it's the one eighty days. 180 days plan because the NEET exam that is going to held on the 3rd May. So there are about 210 days are left. So in the 180 days you are going to revise all the concepts and you are going to add a multiple number of the questions. So <clears throat> since very few days are left, so you have to register now. So and uh, you have to register because the seats are very limited. So just to have a seat in this crash course, you should register now. सो वॉट ऑल विल भी अवेलेबल ऑन द अन एकेडमी प्लस सो देर विल भी द क्विजेज एंड टेस्ट तो वाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्विजेज एंड टेस्ट इन द क्विजेज एंड टेस्ट आफ्टर गिविंग द दिस यू विल रियलाइज कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो मतलब देर आर मल्टीपल मीन लैक्स में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं इस कु कोर्स के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देंगे तो यू विल हैव अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और उसके थ्रू यू कैन जज योर सेल्फ कि आप किधर लाइक करते हो और आप इंप्रूव करोगे क्योंकि जब तक हमें अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं होते वी कांट इंप्रूव इट सेल्फ तो पहले हमें हमारे वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए देन वी विल इट तो इसके लिए यू हैव टू गिव द टेस्ट एंड टेस्ट दिया आपने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होंगी क्योंकि हर बंदे से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते तो देर विल ऑल्सो भी द डाउट क्लियरिंग सेसन रिगार्डिंग द क्वेश्चन इन विच यू फेल्ट डिफिकल्टी इन गिविंग द क्विज एंड द टेस्ट ओके एंड देर विल ऑल्सो भी द लाइव क्लासेज क्योंकि सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो एंड अगर यूट्यूब चैनल पर अगर अवेलेबल हो तो उसमें वन टू वन इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता तो देर विल भी वन टू वन इंटरेक्शन इन विच यू कैन मीन्स इन द लाइव क्लासेज इन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड बाकी भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, तो यू कैन ईजिली हैबिट एंड देयर विल बी द पर्सनलाइज्ड लर्निंग तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या है हमारे पास जो नीट एग्ज़ाम है नीट एग्जाम के अंदर आते हैं हमारे थ्री सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमेस्ट्री एंड द बायोलॉजी ठीक है तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर हमारे तीनों सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मल्टीपल नंबर ऑफ टीचर्स हैं और आप एक स्टूडेंट हो जिसने अन एकेडमी के सब्सक्रिप्सन लिए है तो आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं अलग अलग टीचर्स की पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स होती है आपके समझने का आपको कोई चीज़ है जो कि टीचर फॉर्मूला के थ्रू पढ़ा रहा है वो ज़्यादा समझ आता है कोई थोड़ा अलग तरीके से स्टोरी बेस्ड पढ़ाता है वो ज़्यादा समझ आता है तो डिपेंडिंग अपॉन की आपको कैसे टीचर्स पसंद आ रहे हैं हर टीचर्स की अलग अलग चैप्टर्स भी बहुत स्ट्रांग होती है तो आपको मल्टीपल जो टीचर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स ओके सो दिस इज़ अबाउट द पर्सनलाइज लर्निंग एंड दिस आर समलेंट फैकल्टी प्रजेंट एट द अन प्लेटफॉर्म सो इन द अकेडमी प्लेटफॉर्म यू विल हैव द टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज का वेरी इंपॉर्टेंस है यू कैन जर्ज यूर सेल्फ यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो एंड यू विल ऑल्सो हैव द कंप्रेंसिव सिलेबस रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो द क्रैशकोर्स सो हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस फॉर दिस क्रैस कोर्स एंड फॉर द वीडियोज दैट इज़ एवेलेबल ऑन द अनअकेडमी प्लस So it's very simple. You have to go to the Play Store. You have to install the unacademy learning app. Okay. So after the installing the unacademy learning app, there are some free videos. But there means for gaining a lot of information, you have to get subscription because all the videos can't be available on the YouTube. So you have to get subscription so that you can have the full to full information on each and every subject and have the full command. Okay. So, the means there are two types like you can have the subscription for the 12 months or for the 24 months. So, if you take the subscription for 12 months, then it costs rupees 30,000. But if you use the referral code Kalpna and apply it, then you will get the 10% discount. Okay, so 10% discount means you will have the 3000 discount and you will only have to pay the 27,000 rupees for the 12 months subscription. Okay, so that is the 27,000. एंड इफ़ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर द ट्वेंटी फोर मंथ्स दैट इज़ फॉर द टू ईयर्स बिकॉज अगर हम शुरू से पढ़ाई करते हैं फ्रॉम क्योंकि वो कंटिन्यूटी मैंटेन होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप अलेवेंथ में एंटर करते हो क्योंकि टेंथ से सिलेबस काफ़ी डिफरेंट हो जाता है तो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस तो अगर आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एलेवेंथ स्टैंडर्ड आपने सब्सक्रिप्शन लिया है एंड यू स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियोज़ तो इट विल भी वेरी बेनिफिशियल तो अगर आप दो मंथ के लिए लेते हो तो जो दो सॉरी दो साल के लिए लेते हो तो इसका कॉस्ट है रुपीज़ फोर्टी एट थाउजेंड बट सेम अगर आपने रेफरल कोड कल्पना अप्लाई करा देन यू विल गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट तो टेन परसेंट डिस्काउंट मीन्स यू विल हैव द डिस्काउंट ऑफ द फोर्टी एट हंड्रेड रुपीज़ एंड इट विल लीड यू दैट यू हैव टू गिवन ली द रुपीज़ फोर्टी थ्री थाउजेंड एंड टू हंड्रेड ओके सो वाट आर द टॉप टेन मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स डू बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट गेट सेलेक्टेड एंड नॉट एबल टू गेट अ सीट सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटी इट्स लाइक हमने शुरू कर दिया हमें पता नहीं है कि हमारे मतलब तो तीन सब्जेक्ट्स हैं हमें ये भी नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक्स फॉलो करनी है कौन से चैप्टर्स को कैसे कैसे करना है किस चैप्टर्स की डिमांड कैसी है तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है यू कैन टेक द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम एनी सीनियर और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है तो इसके थ्रू आपके आपको पहले एक अपनी प्रॉपर स्ट्रैटी बनानी होगी आपका जैसे कैपेसिटी क्या है क्या आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है इस मीन्स आप बायोलॉजी थोड़ा मतलब अगर कम टाइम भी दोगे तो यू कैन डू वेरी वेल इन दैट तो आपको अपने वीक पॉइंट्स अपने स्ट्रेंथ आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है इसके बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटी उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आगे करना है ओके देन द सेकेंड मिस्टेक इज द स्टूडेंट्स आर नॉट कमिटिंग टू अ सिंगल स्ट्रैटी होता क्या है कि हमने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई ठीक है हमने आज एक स्ट्रैटी बनाई आज हमने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करा कल हमने अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं उसने बोला कि उसने ये पढ़ा था और उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है और मतलब हमें पता है कि वो कुछ खास नहीं है बट जस्ट इन द मीन्स उन्हें कॉपी करने के चक्कर में उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अपनी जो अच्छी खासी स्ट्रैटजी हमने बनाई थी अगर ऐसे हमारी स्ट्रैटी में कोई फॉलन है तो किसी और से गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो स्ट्रैटजी बना रहे हो उससे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो जस्ट डोंट गेट तो मतलब हैवेडली आई थिंक आज कुछ कर रहे हैं कल कुछ कर रहे हैं मतलब वी आर नॉट कमिटेड टू अ सिंगल स्ट्रैटजी एंड द थर्ड मिस्टेक इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली ये मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था जैसे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एंड आई यूज टू रीड इट लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड जो ऑप्शन होते थे पहला ऑप्शन अगर करेक्ट मिला उसे सही कर दो तो यू हैव टू रीड द कोश्चन्स प्रॉपरली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पास नॉलेज है आपको वो चीज़ें आती है इवन देन अगर आपने वो क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे और ये मतलब सिली मिस्टेक्स को मैक्सिमम अवॉइड करना और ये आप कर सकते हो कैसे अगर आप प्रॉपरली जो है रिवाइज़ करते रहोगे प्रोपरली रिवाइज करो प्रैक्टिस करो इससे आप जो है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे दिस इज अनदर सिली मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम आंसर्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हुए नॉट लिखा है हम नॉट कंसीडर नहीं कर पाते हैं हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स में इट्स लाइक like, अगर वन बाय समथिंग लिखा होता है या फिर पॉइंट में हमें डाउट हो जाता है कि ये पॉइंट पॉइंट था ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं तो आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ हाईली फोकस्ड होके आपको आंसर्स के जो ऑप्शन दे रखे आंसर के ऑप्शंस दे रखे उसे प्रॉपरली पढ़ना है एंड उसे प्रॉपर्ली फिलअप भी करना है ओएमआर एम सीट की भी फिलअप करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है बच्चे करते क्या है जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा पहला बन गया दूसरा भी बन गया पर तीसरा हमें आ नहीं रहा तो हमने उसे मार्क कर दिया अब हम चौथे जो है चौथे पे गए वो हमारा बन गया फोर्थ क्वेश्चन बना अब हम जब ओ एम आर सीट फिलअप कर रहे होते तो होता है क्या हमने पहला मार्क करा दूसरा करा अब फोर्थ वाला आंसर हम करते हैं थर्ड पे मार्क तो इसकी वजह से आपने सारा क्वेश्चन सही से पढ़ा सब कुछ करा बट एट द लास्ट मोमेंट आपकी एक मिस्टेक्स की वजह से आपने अपने मार्क्स को लूज़ कर दिए तो यू हैव टू रीड द आंसर्स आंसर ऑप्शन प्रॉपरली एंड ऑल्सो फिल द ओ एम आर सीट वेरी प्रोपरली एंड वेस्टिंग टाइम ऑफ वन क्वेश्चन एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं तो जस्ट लेफ्ट दैट क्वेश्चन जस्ट गिव द वन स्टार मार्क उस क्वेश्चन पे आप लगा दो एंड जस्ट लिव इथ क्वेश्चन फॉर द एन मीन्स जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो गे उस के लिए छोड़ दो और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपसे हो जा रहा है उसे पहले करते जाओ क्योंकि आप एक क्वेश्चंस पे अगर ज्यादा टाइम दोगे क्योंकि हमारे पास होता क्या है वन एटी क्वेश्चन होते हैं एंड वी हैव वन एटी मिनट्स तो अगर आप एक क्वेश्चन पे एक मिनट से ज्यादा मतलब स्टार्टिंग से ही दे रहे हो इस मीन्स कि आप अगला क्वेश्चन को लूज कर रहे हो ठीक है तो आपको सेम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना बट अगर आपने सपोज़ दो मिनट दे दिया और आपको लगता है कि अगर हाफ मिनट और आप दोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो जस्ट गिव इट हाफ मिनट टू डैथ क्वेश्चन क्योंकि आप जब दोबारा ट्राई करोगे फिर आपको वो दो मिनट देना होगा पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पर फाइव मिनट ऐसे दे रहे इट्स नॉट राइट नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स तो बेसिकली हमारा होता है क्या है कि जो बायोलॉजी है बायोलॉजी में इस्पेशली जो हमारी बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा कहीं पर हमें मतलब तो यहाँ पर प्लस पे आपको किसी टीचर ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए या फिर आपने किसी बुक से पढ़ा तो यू हैव टू एड पॉइंट्स ऑन द एन सी आर टी एड इट टू द एन सी आर टी आप ऐड कर दो ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपको एक जगह मिल जाएगी अगर वह सारी चीज़ें आपको एक जगह होगी तो बहुत इफ़ियंसी के साथ आप रिवाइज़ कर पाओगे ठीक है एंड ऑल्सो फॉर द फिज़िक्स एंड द केमिस्ट्री आप फॉर्मूले के एक नोट्स बना लो जो इंपॉर्टेंट नेम जैसे केमिस्ट्री में फ़ॉर द ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारे कुछ नेम रिएक्शंस हैं उनके एक नोट्स बना लो उसे पेस्ट करके रखो ताकि मतलब वो सारी चीज़ें आपकी बहुत इफ़िशेंसी के साथ रिविजन करने में हेल्प करेगी एंड रेफर टू मैनी बुक्स हमें होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि ये बुक किया वो बच्चा वो बुक कर रहा है वो भी करना चाहिए तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि अगर आप इतना सारे बुक्स को फॉलो करेगी जिसमें से कुछ बुक तो स्टैंडर्ड होती है बाकी बहुत सारी अनऑथराइज बुक्स होती है जिसके आंसर्स काफ़ी गलत भी होते हैं तो अगर आप इन सब को लोगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर लो रैंक

नॉट रीडिंग एन सी आर टी प्रॉपरली एन सी आर टी जो है हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एन सी आर टी में जो कंसेप्ट्स दिए होते हैं उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो फॉर द इच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको एन सी आर टी को बहुत ही ज़्यादा ढंग से पढ़ना है एन सी आर टी के इच एंड एवरी लाइन पर आपकी कमांड होनी चाहिए एन सी आर टी के दिए क्वेश्चन पर होनी चाहिए एन सी आर टी के लास्ट में जो समरी होती है फिजिक्स में जो पॉइंट्स टू पाउंडर होते हैं इन सब पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए क्योंकि एन सी आर टी सबसे पहला चीज़ है अगर आपका एनसीआर टी कम्प्लीट है तब आप किसी और बुक किसी और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो बट अगर एनसीआर टी आपने ढंग से नहीं देन पहले एनसीआर टी को कम्प्लीट करो चेंजिंग द शेड्यूल थ्री टू फोर डेज बिफोर द एग्जाम हमारा मतलब ऐसा होता है कि हम तीन चार दिन पहले एग्जाम्स के हम अपने शेड्यूल चेंज करने लगते हैं तो अगर आप तीन चार दिन पहले अगर शेड्यूल चेंज कर रहे हो तो हमारी जो ब्रेन के स्टिमुलेशन है वो ऐसा एक फिक्स टाइम होता है जब हमारा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो यू सू ट्राई की जो आपकी मैक्सिमम स्टिमुलेशन है ब्रेन की वो कब होनी चाहिए शुड बी एट द एग्जाम टाइम जब आपका एग्ज़ाम टाइम है जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम टाइम है उस टाइम पे आपकी जो है मैक्सिमम इफ़िशियंसी होनी चाहिए तो अपने शड्यूल को ऐसे चेंज मत करो जस्ट रिलैक्स थ्री टू फोर डेज बिफोर द एग्ज़ाम एंड अच्छे से नींद लेनी चाहिए यू शुड जस्ट रिवाइज द ऑल द टॉपिक्स ऑल द शॉर्ट नोट्स वट यू हैव मेड ओके सो थैंक यू डू लाइक्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर Thank you so much for watching the video.